हेलो एवरीवन, आज हम ये चेक करेंगे कि दिए हुए नंबर्स प्रोपोर्शन में है या नहीं, वो हम कैसे इजीली चेक कर सकते हैं। हमें यहाँ नंबर्स दिए हुए 15, 45, 40 एंड 120, तो हमें इनका प्रोपोर्शन चेक करना है कि क्या ये चारों नंबर्स प्रोपोर्शन में है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो दो नंबर दिए हुए हैं आपको 15 और 45, इन दोनों का रेशियो फाइंड आउट करेंगे। मतलब 15:45 हमें करना है, तो 15 1 15 हो जाएगा और 15 3 45 हो जाएगा। इसका मतलब इसका आंसर आएगा 1:3। उसके बाद हम 40 एंड 120 का जब रेशियो फाइंड आउट करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, 40 times 140 और 40 times 3 120, तो वो भी 1:3 आ रहा है। तो इसका मतलब ये दोनों जब सेम आते हैं तो क्या होता है कि ये नंबर्स जो है वो प्रोपोर्शन में है। इसका एक तरीका और है जो हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि ये नंबर्स प्रोपोर्शन में है या नहीं, हमें फर्स्ट एंड फोर्थ टर्म को मल्टीप्लाई करना है। मतलब हमें 15 एंड 120 को मल्टीप्लाई करना है एंड 45 एंड 40 को मल्टीप्लाई करना है, सेकेंड एंड थर्ड टर्म को हमें मल्टीप्लाई करना है। तो इसका आंसर भी आपको 1800 मिलेगा और इसका आंसर भी आपको 1800 मिलेगा। तो इसका मतलब 15:45 प्रोपोर्शन में है 40:120 के। इस तरह से हमारे पास दो मेथड्स है जिससे हम चेक कर सकते हैं कि दिए हुए नंबर प्रोपोर्शन में है या नहीं। ये वाला क्वेश्चन आप खुद सॉल्व करेंगे, आप दोनों मेथड्स ट्राई करिए, आपकी प्रैक्टिस के लिए बहुत ही अच्छा है। और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि इसका क्या आंसर मिलता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।